Hi everyone, welcome back to the series of object-oriented programming using C++. In today's video, we are going to discuss about multiple constructor, that is constructor overloading. Multiple constructor को constructor overloading भी कहा जाता है. Constructor overloading पे आपको definitely 6 marks का question जरूर आता है आपके exam में. So let's discuss about constructor overloading. Overloading का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये बताइए. Discuss करते हैं. Overloading का मतलब होता है, for example से समझा दूँ. For example, एक plus operator है. क्या करता है plus operator? जब integer parameters हो, तो वो addition का process follow करता है. अब यही अगर characters parameters हो, तो plus का symbol क्या करता है? कंकैटिनेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है. सो दिस इज ओवरलोडिंग. ये जो प्रोसेस है इसको क्या कब बोला जाता है? ओवरलोडिंग. सो अगर मैं बोलूं ओवरलोडिंग के बारे में डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगी? ओवरलोडिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज सिंगल आइडेंटिफायर to define multiple methods of a class that differ in their input and parameters. और भी बहुत definition है, like जो overloading है वो ये जो oops है उसका एक feature होता है that allows one to have many functions with same name but with different signatures. So now let's discuss about constructor overloading. जो overloading है वो constructor में कैसे होती है? So more than one constructor can be declared, but they differ in arguments. एक constructor More than one constructor, एक से ज्यादा constructor हम बना सकते हैं अपने class के अंदर, but उनके जो argument होते हैं वो differ करते हैं, like उनका data type differ करता है और arguments differ करते हैं, but जो constructor है वो उसका जो name है वो same होता है. आइए इसको एक example की help से discuss करते हैं. एक example है जिसमें मैंने class बनाई XYZ, okay? उसमें तीन डेटा मेंबर्स बनाए मैंने. क्या क्या बनाए? एम एन एंड पी बनाए जो कि इंट डेटा टाइप के हैं. फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये. उसमें मैंने क्या किया, एम को, एन को और जीरो को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया. फाइन. फिर एक कंस्ट्रक्टर और बनाया, दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. उसमें दो पैरामीटर हैं, int m and int n1. m is equal to m1, n is equal to n1 and p को क्या initialize कर दिया? 0. okay, then मैंने एक constructor और made किया. क्या वो बनाए? उसके parameters int m1, int n1, int p1. आप देख सकते हो तीनों constructor में difference है कि जो first है उसमें कोई भी parameters नहीं है. fine. जो सेकेंड कंस्ट्रक्टर है उसमें दो पैरामीटर्स हैं, ओके. और जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है उसमें तीन पैरामीटर्स हैं, लाइक उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, मींस उसकी डेफिनेशन में क्या ही आई है देखते हैं. m इज इक्वल टू m1, n इज इक्वल टू n1 एंड p इज इक्वल टू p1 एंड देन मैंने क्लास को बंद कर दिया. नाउ वी कैन क्रिएट 3 types ऑफ ऑब्जेक्ट. हमारे पास 3 constructors हैं मैंने बनाए हैं. सो हम 3 तरीके से ही हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं. दैट इज हुज ऑब्जेक्ट, क्लास XYZ का इंस्टेंस को हम डिक्लेयर करते हैं 3 तरीके से. मैंने सिर्फ int XYZ c1 लिखा अपने मेन में तो क्या होगा? डिफॉल्ट फंक्शन कॉल होगा, ओके. सेकंड XYZ c2 10, 20, इससे क्या होगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट इज जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं. हम देख सकते हैं जो सेकंड पैरामीटर्स हैं इसमें 2 पैरामीटर्स हैं और ये सेकंड कंस्ट्रक्टर है और ये थर्ड कंस्ट्रक्टर है. सेकंड कंस्ट्रक्टर में
मैंने नाम दे दिया कंस्ट्रक्टर को, दिस इज यू, दिस जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है, ओके, जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है वो सेकंड कंस्ट्रक्टर है, और ये वाला थर्ड कंस्ट्रक्टर है, ओके. जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है उसमें दो पैरामीटर्स हैं, और जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है उसमें तीन पैरामीटर्स हैं. सो इस वाली लाइन में कितने पैरामीटर्स वाला ऑब्जेक्ट है, दैट इज कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा पैरामीटर कॉल होगा, आई मीन कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सेकंड वाला. जो थर्ड है लाइन लिखी हुई है वो XYZ C3 5 6 7, इससे कौन सा कॉल होगा, थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट इज आल्सो पैरामीटराइज्ड. वी क्रिएट ऑब्जेक्ट देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट विल बी कॉल्ड व्हेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन इन अ क्लास, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. जब भी एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. सो होपफुली आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझ में आया हो. एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, छोटा सा एग्जाम्पल है बिल्कुल, और एक कई बार पूछा जाता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.